कराची नौजवाननि जी हिकु वॾी तादादु पूरा ॾींहुं रोज़ा रखण तों बाद राति गए क्रिकेट तों लुत्फ़अंदोज़ थींदे नज़र आंदे आहिनि। शहर जे अंदरूनी इलाइक़नि समेत मेन शाहराहनि ते नौजवान इशादी नमाज़ ते तरावी तों फ़ारिग़ थी वञण तों बाद क्रिकेट खेॾंदे नज़र आंदा आहिनि। ते बाज़ जहिं ते कराची राति जागण जी रिवायत को पूरा करण किते सहरी वेले तक नौजवान क्रिकेट खेॾंदे ते टाइम पास करे रोज़ा होता है तो रात में हम लोग मैचेस खेलते हैं और रोज़ा भी नहीं होता, प्यास वगैरह लगती है, पानी वगैरह पी लेते हैं और ये कि सैटरडे को तो हम पूरी रात खेलते हैं। एक तो मतलब रोज़ा होता है तो इस वजह से जो है ना वो खिलाड़ी जो है ना खेल नहीं सकते हैं, तो इस वजह से रात में जो है ना वो खेलने का मज़ा भी कुछ और होता है। नाइट में इसलिए खेले जाते हैं, रात की टाइमिंग मिल जाती है, दिन में टाइम नहीं मिलता, रोज़े होते कोई खेल नहीं सकता, रात में अपना तरावी वगैरह से फारिग होकर लोग मैच की तरफ आ जाते हैं, मैच वैच खेलते हैं, अपने आराम से टाइम भी मिल जाता है, सो भी जाते हैं। इन क्रिकेट मैच खेलने वाले बाज़ खिलाड़ियों का आखण है जो उन्होंने अपने रिहायशी इलाके कोई ग्राउंड मुयसर न होने की वजह तो उन्होंने सड़कों पर यह मैचों का इंतजाम करना पौधे। रात के टाइम स्पेशली लड़के इसलिए तो लाइटिंग का थोड़ा इंतजाम होता है, लाइट होती है तो खेलते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे कुछ है नहीं करने, पार्क यहाँ बहुत बहुत दूर है, इसके अलावा एंजॉयमेंट के लिए और कुछ मिलता नहीं है। यहाँ पे बैठे इन मैच क्रिकेट के शौकीन नौजवान लाइटिंग का भी इंतजाम करेंगे, रात गए तक टूर्नामेंट का मजा दुबाला करन की खाने पीने की चीज़ों का इंतजाम भी किया वेंदे। इन रात के मैच अहम किरदार बिजली का है, जरा अंधी रहे तो टूर्नामेंट मुकम्मल ना तो लोड शेडिंग की सूरत ये टूर्नामेंट थी नामुमकिन थी वेंदे। दिन में तो लाइट होती नहीं है, रात के अंदर लाइट होती है तो फिर मैच खेले जाते हैं। इन मिडनाइट क्रिकेट मैच खेलने वाले खिलाड़ियों का आखण है जो हुकूमत को नौजवानों की प्ले ग्राउंड्स प्ले एरिया बनाने की सख्त जरूरत है। अदिल कुरैशी, रोही टीवी, कराची।